मेडिकल इमरजेंसी के वक्त में पैसों के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, यही सोचकर पवन ने 10 लाख रुपए के कवर का एक हेल्थ प्लान खरीदा। पॉलिसी खरीदने के करीब एक साल बाद हार्ट पेन की शिकायत होने पर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होना पड़ा और कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया। बीमा कंपनी को अपनी जांच में पता चला कि पवन की हार्ट कंडीशन के पीछे वजह थी उनका हाई ब्लड प्रेशर। पवन को हाई बीपी की बीमारी करीब 5 साल से है, लेकिन बीमा खरीदते समय उन्होंने पहले से मौजूद बीमारी यानी पीईडी को प्रपोजल फॉर्म में नहीं भरा। पवन को अब इसी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हेल्थ बीमा में पहले से मौजूद बीमारियां कुछ शर्तों के साथ कवर होती हैं। अगर आप भी हेल्थ बीमा पॉलिसी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पवन वाली गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज यानी पीईडी से जुड़ी शर्तों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ ले, समझ ले। तो हेल्थ बीमा में क्यों पहले से मौजूद बीमारी के नियमों पर आपको ध्यान देना चाहिए, आइए समझते हैं। जब आप कोई हेल्थ बीमा पॉलिसी खरीदते हैं तो बीमा कंपनी एक प्रपोजल फॉर्म भरवाती है। सबसे पहले इस फॉर्म में आवेदक की लाइफस्टाइल से जुड़े तमाम तरह के सवाल पूछे जाते हैं, साथ ही ऐसी कोई बीमारी जिससे आप पीड़ित हैं उसका ब्यौरा भी मांगा जाता है। इंश्योरेंस रेगुलेटर रेडा के नियमों के तहत हेल्थ बीमा खरीदने से 36 महीने पहले तक की बीमारियां और इंजरीज यानी चोटें पीईडी की कैटेगरी में आती हैं। हाई ब्लड प्रेशर यानी बीपी, एस्थमा, थायराइड, डायबिटीज जैसी बीमारियां पीईडी में शुमार होती हैं और बीमा कंपनी को आपको बताना जरूर है। बीमा कंपनियां इन्हें कहती हैं पहले से मौजूद बीमारी यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, जिसे एक तय अवधि के बाद कवर किया जाता है, यानी आपको कुछ वेटिंग पीरियड बिताना होता है और उसके बाद पीईडी से जुड़े सारे इलाज कवर होते हैं। ये पीरियड 3 साल तक हो सकता है। वेटिंग पीरियड खत्म होने के बाद बीमा कंपनी संबंधित बीमारी को पूरी तरह से कवर करती है। हर बीमा कंपनी अपने प्रोडक्ट के हिसाब से भी अलग अलग वेटिंग पीरियड तय कर सकती है, इसलिए बीमा खरीदते वक्त ध्यान दें कि आप जिस कंपनी से बीमा खरीद रहे हैं वो कितने समय के बाद आपकी पुरानी बीमारियों को कवर करेगी। अगर पॉलिसी लगातार 5 साल तक कंटिन्यू रखी जाती है तो बीमा कंपनी किसी भी इलाज के क्लेम से मना नहीं कर सकती है। इस 5 साल की अवधि को मॉरेटोरियम पीरियड कहते हैं। अब ये समझिए कि जब आप प्रपोजल में पुरानी बीमारियों का ब्यौरा देते हैं तो क्या होता है। ऐसा नहीं है कि बीमा कंपनी ने कवर नहीं करेंगी, कवर तो करेंगी, लेकिन प्रीमियम पर लोडिंग बढ़ा दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर पवन 30 साल के हैं और परिवार में पत्नी सहित 2 बच्चे हैं, अगर वो 10 लाख रुपए की कवर का बजाज आलियांस हेल्थ गार्ड गोल्ड प्लान लेते हैं और पॉलिसी में शामिल सभी सदस्य पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो उनका प्रीमियम 24,368 रुपए का बनेगा। अगर पवन को हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की बीमारी है तो बीमा पॉलिसी का सालाना प्रीमियम 50% तक बढ़कर 36,000 रुपए तक हो सकता है। यही होती है लोडिंग, यानी आपकी कंडीशन के हिसाब से प्रीमियम की राशि बढ़ जाती है। एक्चुअल प्रीमियम कितना बढ़ेगा ये बीमारी की गंभीरता पर निर्भर करता है। ऐसे में पवन को बीमा पॉलिसी तो मिल जाएगी, लेकिन पुरानी बीमारियों को पॉलिसी में तय अवधि के बाद ही कवर किया जाएगा। पवन इसी फ्रंट पर गलती कर गए, उन्होंने प्रपोजल फॉर्म में हाई बीपी की बीमारी का खुलासा ही नहीं किया। जब अस्पताल में भर्ती हुए तो पता चला कि उनकी जो हार्ट की जो कंडीशन थी वो इस बीपी से ही कनेक्टेड थी। इंश्योरेंस एक्सपर्ट और मेडास फिनसर्व के डायरेक्टर पंकज रस्तोगी कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपात स्थिति में वित्तीय सुरक्षा के लिए ही तो खरीदी जाती है और अगर वो समय पर काम ना आए तो पीड़ित परिवार को बड़ा झटका लगता है। ऐसे हालात से बचने के लिए पॉलिसी खरीदते समय प्रपोजल फॉर्म में सही जानकारी भरें। अगर कोई बीमारी है तो उसे छुपाए नहीं, साफ साफ लिखकर बता दें। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको ज्यादा प्रीमियम ही तो चुकाना पड़ेगा। अगर आप किसी बीमारी को छुपाते हैं तो पता चलने पर बीमा कंपनी क्लेम को खारिज कर देगी। यही नहीं, ऐसी स्थिति में कंपनी आपकी पॉलिसी रद्द भी कर सकती है। बीमा कंपनी के पास ये अधिकार होता है कि वो आपको पॉलिसी दे या ना दे। हेल्थ बीमा में पहले से मौजूद बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड अलग अलग होता है और ये पीरियड बीमारी की गंभीरता के आधार पर तय किया जाता है। अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है तो पॉलिसी में इसका खुलासा साफ साफ आपको प्रपोजल फॉर्म में करना चाहिए ताकि आगे जाकर आपको कोई दिक्कत ना हो। कुछ कंपनियां को पेमेंट का ऑप्शन देकर भी वेटिंग पीरियड घटा देती हैं। को पेमेंट का मतलब है कि हॉस्पिटल में भर्ती होने पर
पहले से ही एक राशि तय कर दी जाएगी जो आपको अपनी जेब से देनी होगी, जिसे आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि को पेमेंट पॉलिसी आपको लगता है कि आपके प्रीमियम के बोझ को कम कर देगी, लेकिन लॉन्ग रन में ये आपको महंगी ही पड़ती है, क्योंकि जब इलाज होता है तो फिर आपको अपनी जेब से उस पूरे खर्चे का एक हिस्सा पे करना पड़ता है। इसीलिए अगर को पेमेंट वाली पॉलिसी आप इसलिए ले रहे हैं कि प्रीमियम कम पड़ेगा, तो जरा सोच समझ कर, क्योंकि ये आपको महंगी पड़ेगी। इससे बेहतर रास्ता ये है कि जो भी आपकी पुरानी मौजूदा बीमारी है वो सीधा सीधा साफ साफ कंपनी को पहले ही बता दें, ताकि प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाए लेकिन पॉलिसी आपको मिले और क्लेम करते वक्त आप 100% क्लेम भी ले सकें।